गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर कलर के बारे में रिव्यू, जो कि है गार्नियर कलर नेचुरल। तो इस वीडियो में मैं इस हेयर कलर के बारे में रिव्यू भी शेयर करूँगी, प्लस डेमो भी आपको दूंगी, यानी इस हेयर कलर को अप्लाई कर भी आपको दिखाऊंगी, ताकि आपके लिए ये आसान रहे कलर सेलेक्ट करने में और आपको भी पता चले कि इसको अप्लाई करने के बाद ये किस तरह का दिखता है। और साथ ही साथ एक दो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ओके गाइस, तो मुझे कलर अप्लाई कर कम से कम 10 टू 11 मंथ्स हो गए हैं। मैंने कोई हेयर कलर अप्लाई नहीं किया है, जस्ट हीना ज़रूर अप्लाई किया होगा, लेकिन कोई कलर अप्लाई नहीं किया ड्यू टू प्रेगनेंसी। तो हेयर कलर अप्लाई करने से पहले मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि ब्लैक हेयर्स पे कैसा कलर आएगा या फिर लाइट ब्राउन हेयर्स के ऊपर किस तरह का कलर आएगा और इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, सब कुछ। सो गाइस, ये है गार्नियर हेयर कलर का शेड नंबर 5.32 तापसी कैरेमल ब्राउन, और यहाँ पे लिखा है 8 वीक्स कलर लॉक, यानी ये आपके कलर को 8 वीक्स तक लॉक करके रखेगा। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि आपके हेयर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, आपके हेयर्स को सिल्की और शाइनी भी बनाएगा, क्योंकि इसमें है 3 ऑयल्स, जो कि है एवोकाडो ऑयल, आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल, जो कि हेयर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, हेयर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में, शाइनी और सिल्की बनाने में। और गाइस, इसमें अमोनिया बिल्कुल नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस हेयर कलर की। सो गाइस, इस बॉक्स के पीछे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, जो कि मैं आगे वीडियो में भी आपको बता दूँ। ओके गाइस, तो इसका प्राइस है 180 रुपीज़, लेकिन मुझे अमेजोन में डिस्काउंटेड प्राइस में मिला, मुझे ओनली 153 रुपीज़ में ये हेयर कलर मिल गया था। तो इसमें एक 70 ml होगा प्लस 60 ग्राम होगा, जो कि हम लोगों को मिलता है इसमें कलरेंट और डेवलपर। और इस तरफ इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा, ये सारे पिक्चर्स दिए हैं, और यहाँ पे हेयर कलर्स दिया है जिनके ब्लैक है उन पे कैसा कलर आएगा, जिनके ब्राउन है उन पे कैसा कलर आएगा, लेकिन यहाँ पे दिखने पे सारे ही एक ही दिख रहे हैं। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और हेयर कलर को मिक्स करते हैं अप्लाई करने के लिए। तो गाइस, ये सबसे पहले है हेयर कलरेंट, यानी क्रीम कलरेंट, और ये है हाउ टू यूज़ वाला पेपर, और नेक्स्ट ये है डेवलपर। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, शायद इसमें ग्लव्स और कंडीशनर दोनों ही हैं। तो गाइस, इसमें आपको ये दो शैशे मिल जाएंगी, जो कि है कंडीशनर, और ये दो ग्लव्स मिल जाएंगे हेयर कलर अप्लाई करने के लिए, और इसमें हाउ टू यूज़ वगैरह सब सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो गाइस, इसमें ये टोटल चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिसमें है क्रीम कलरेंट, डेवलपर, कंडीशनर और ग्लव्स। तो गाइस, हेयर कलर करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने कभी हेयर कलर नहीं किया हो तो, या फिर कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो उसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। तो गाइस, सिर्फ हेयर कलर ही नहीं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, नया प्रोडक्ट आप अगर यूज़ करते हो तो उसका एक पैच टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सी बार सबकी स्किन अलग होती है, तो किसी को सूट करता है तो किसी को सूट नहीं करता, तो टोटली डिपेंड्स ऑन स्किन टाइप। तो चलिए इस हेयर कलर को मिक्स करते हैं। तो हेयर कलर को हमेशा या तो फिर प्लास्टिक के बाउल में या फिर ग्लास के बाउल में ही मिक्स करें। तो गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मुझे पता चला कि मेरे पास मिक्स करने के लिए ब्रश नहीं है, इवन लगाने वाला वो जो ब्रश होता है वो नहीं था, तो यहाँ पे मैं टूथब्रश यूज़ कर रही हूँ, तो डोंट माइंड। तो आई नो आपके पास भी कभी ब्रश नहीं मिलता होगा, तो आप भी इस तरह से जुगाड़ करते होंगे, तो आई होप आप समझ जाओगे। तो बस यहाँ पे मैं ये क्रीम मिक्स कर रही हूँ और लास्ट में थोड़ा सा बचा रही हूँ, मुझे लगा था कि ये मेरे बालों के लिए काफ़ी हो जाएगा, तो इसमें से थोड़ा सा बचा कर बाकी का पूरा क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट अगेन सेम मैं डेवलपर भी मिक्स कर दूँगी और उसमें भी इसी तरह से थोड़ा सा बचाऊँगी। ओके, तो दोनों को बहुत अच्छे से इक्वली ऐड कर लिया है, अभी इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए आप अच्छा खासा टाइम लीजिए। तो यहाँ पे मिक्स हो चुका है, और गाइस ध्यान रखें, आपको इस हेयर कलर को अपने मेले बाल में लगाना, यानी आपको हेयर वॉश वगैरह कुछ नहीं करना है। मुझे हेयर वॉश कर 2 to 3 days हो चुके थे, तो थोड़े ऑयली हेयर्स थे, तो वह उस पर ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो हेयर कलर अप्लाई करने से पहले अपने टैंगल्स को रिमूव कर लीजिए, अच्छे से कोम कर लीजिए। ओके, तो गाइस, हेयर कलर करने से पहले आप अपने हाथों पर ग्लव्स ज़रूर पहने, अदरवाइज आपके हाथ बहुत गंदे हो जाएंगे। तो एज आई सेड, मैं टूथब्रश यूज़ कर रही हूँ, तो उससे मैं हेयर कलर अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी, बट ऑनेस्टली मेरे से हो नहीं पा रहा था, तो थोड़ी देर मैंने इस तरह से अप्लाई किया, नेक्स्ट मैंने टूथब्रश रख लिया और रफली मेरे हाथों से ही मैं अपने हेयर्स पर कलर अप्लाई करना शुरू कर दिया था। जैसे नॉर्मली हम लोग हीना मेहंदी वगैरह अप्लाई करते हैं, उस तरह से मैंने अपने हेयर कलर को अप्लाई कर लिया। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक और ज़रूरी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ, कभी भी आप हेयर कलर अप्लाई करते हो
कोशिश करें कि आप अपने स्कैल्प पर बिल्कुल अप्लाई ना करें। स्कैल्प को अवॉइड करते हुए सिर्फ अपने बालों पर हेयर कलर अप्लाई करें, क्योंकि कोई भी हेयर कलर हो ऑफकोर्स थोड़ा तो नुकसान करता ही है। तो कोशिश करें कि आप स्कैल्प पे बिल्कुल टच ना करते हुए सिर्फ अपने बालों पर अप्लाई करने की कोशिश करें। सो गाइज, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं मैं बिल्कुल कम्फर्ट नहीं थी टूथब्रश से, तो मैंने अपने हाथों से अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा पोशन बालों का लेकर हेयर कलर अप्लाई कर लिया। और इस हेयर कलर को कम से कम आपको 30 to 45 मिनट्स रखना है। तो बॉक्स के ऊपर तो 30 मिनट्स दिया था, लेकिन मैंने इसको कम से कम 45 मिनट्स अपने हेयर्स पर रखा था। ओके, तो यहाँ पे जो मैं कंजूसी कर थोड़ा सा बचाया था कलर को कि नेक्स्ट यूज़ में काम आएगा, वो भी यूज़ हो गया, क्योंकि अप्लाई करते करते जो बालों की लेंथ होती है वहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो अगेन मैंने मिक्स किया, फिर वो भी अप्लाई किया, तो जितना भी था वो सारा यूज़ हो गया है। तो अगर आपकी हेयर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो आपको शायद एक्स्ट्रा बॉक्स भी लग सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपने हेयर्स को पूरी तरह से कलर कर लिया है, और लास्ट में एक वेट टिश्यू के हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा स्किन पे या फिर ईयर्स पे अप्लाई हो गया था, लग गया था, उसको मैं रिमूव कर रही हूँ और वैसलिन अप्लाई कर लूँगी। लेकिन अगर आप हेयर कलर अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आप वैसलिन ज़रूर अप्लाई कर ले, ताकि आपके स्किन पे बिल्कुल कलर ना लगे। तो 30 to 45 मिनट्स के बाद जब आप अपने हेयर्स को वॉश करते हो तो शैम्पू बिल्कुल अप्लाई ना करें। इसके साथ जो कंडीशनर दिया है, जस्ट कलर को रिमूव करने के बाद कंडीशनर अप्लाई कर लें। और नेक्स्ट ऑयल अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट डे आप अपने हेयर्स को शैम्पू कर कंडीशनर अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हेयर कलर अप्लाई करने के बाद 45 मिनट्स हो चुके थे, मैंने 45 मिनट्स रखे हैं। तो वो हेयर वॉश करने के बाद आप मेरे हेयर्स पर कलर देख सकते हैं। फिलहाल तो मेरे बाल गीले हैं, तो फिर भी आप कलर देख सकते हैं, लाइट से ब्राउन लग रहे हैं। तो लेट्स सी, वॉश करने के बाद हेयर्स बहुत ही सिल्की और सॉफ्ट लग रहे थे। ओके गाइस, तो बाहर देखा तो बाहर बिल्कुल धूप नहीं थी, बारिश जैसा मौसम हो रहा था, बहुत क्लाउडी था, तो धूप नहीं थी। तो ये जो पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्लिप्स दिखा रही हूँ, ये नेक्स्ट डे हेयर को शैम्पू करने के बाद का है। तो आप देख सकते हैं कलर, तो गाइस सीरियसली बताऊँ बहुत ही सुंदर सा कलर आया है, लाइट ब्राउन कलर है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है हेयर कलर। तो गाइस आप भी इस हेयर कलर को ज़रूर ट्राई करना अगर आप अपने हेयर्स को लाइट ब्राउन करना चाहते हैं। तो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हो ये वीडियो। तो गाइस अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। और इस हेयर कलर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और यस, आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और वीडियो के एंडिंग में भी दे रखा है। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।